हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल के ऊपर, एज वेव के ऊपर। देखिए दोस्तों, आज हम पिछली जो क्लास थी मेरी वो सुपरफ्लोज के ऊपर थी, और सुपरफ्लोज के ऊपर हमने बात की कि कौन से वर्ड्स कहाँ पर यूज़ किया जाता है, ऐसे वर्ड्स जो हमारे लिए डेली लाइफ में भी इम्पोर्टेंट है और हमारे एग्ज़ाम्स के लिए भी इम्पोर्टेंट है। तो हमें दोनों चीज़ों के लिए हमें पढ़ना है। जो बच्चे स्पोकन के लिए मतलब यूज़ करना चाहते हैं, स्पोकन में भी यूज़ होता है, क्योंकि हम यदि एक अच्छे एजुकेटर है, अच्छे हम पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, तो वहाँ पर हमें समझ में आता है कि हमें ऐसे वर्ड्स का यूज़ नहीं करना चाहिए जो मतलब जो जिनका स्टाइल रॉन्ग है। तो ऐसे ही वर्ड्स मैं आज फिर आपके लिए लेके आया हूँ। दोस्तों कृपया, यदि आप मेरे चैनल को पहली बार आप विजिट कर रहे हो, तो आप सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले, ठीक है। इसके बाद वीडियो को अंत तक देखिए, तभी आपको कुछ समझ में आएगा, अदरवाइज नहीं आने वाला, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो देखो आगे, अब मैं आपके सामने जो लेके आया हूँ वो भी एक सुपरफ्लू से रिलेटेड, यानी बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिन जो गलतियाँ कर देते हैं। अब देखिए दोस्तों, आपके सामने लिखा हुआ जॉब टाइटल रैंक प्रोफेशन, अक्सर आपने सुना होगा मेल फीमेल, है ना, ये मेल डॉक्टर है, ये फीमेल डॉक्टर है, ठीक है ना, या ये वुमेन शूज़ है, ये मेन शूज़ है, ऐसा कुछ सुना है आपने कभी, ठीक है। तो यानी सही क्या है, गलत क्या है, उस चीज़ के ऊपर मैं आपके सामने आज बात करने वाला हूँ। और ज़्यादा बड़ी क्लास हमारी नहीं होगी, कुछ देर की हमारी क्लास होगी। तो देखो दोस्तों, जॉब और टाइटल और रैंक प्रोफेशन। जॉब की हम बात करें, जॉब का मतलब कोई भी नौकरी की बात होती है, कोई भी टाइटल की बात होती है, कोई भी पद की बात होती है, रैंक की बात होती है, या कोई भी प्रोफेशन की बात होती है, तो वहाँ पर हम मैन और वुमेन का यूज़ करते हैं, ठीक है ना। वहाँ पर किसका यूज़ करते हैं, मैन और वुमेन का यूज़ करते हैं। इसके बाद फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक, यानी फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक की बात होती है, शारीरिक जो विशेषताएं हैं उनसे रिलेटेड चीज़ों की बात होती है, नॉन लिविंग की बात होती है, तो वहाँ पर मेल और फीमेल का यूज़ हम करते हैं, ठीक है। तो ये हमारे सामने, ये इसमें बहुत सारे एग्ज़ाम्स में भी पूछा जाता है, SSC बैंक या अदर जो एग्ज़ाम्स, कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम्स होती है, उन एग्ज़ाम्स में भी पूछा जाता है, उन एग्ज़ाम से रिलेटेड भी हम क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है ना। जॉब टाइटल रैंक प्रोफेशन, मैन और वुमेन, है ना, फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स की बात होती है, तो मेल और फीमेल का यूज़ अब करते हैं। मैं एग्जाम्पल्स आपके सामने पेश करता हूँ। जैसे मान लो मैं बात करूँ आपको, यहाँ पर मैं एक एग्जाम्पल यहाँ पर लिखता हूँ। जैसे मैंने लिखा, है ना, क्या लिखा, एक मिनट देखो, मैंने लिखा मेल डॉक्टर, क्या लिखा, मेल डॉक्टर। बताइए मुझे, यहाँ मेल लिखा हुआ है या डॉक्टर लिखा हुआ है, डॉक्टर क्या है, लिविंग या नॉन लिविंग, ठीक है ना, या कोई प्रोफेशन है, बताओ क्या है, प्रोफेशन है। यहाँ पर मैंने लिखा सोल्जर, सोल्जर, बताइए क्या है, मेल सोल्जर, फीमेल सोल्जर, बताइए क्या लिखे, मेल के साथ डॉक्टर आएगा या सोल्जर के साथ सोल्जर के साथ मेल आएगा या डॉक्टर के साथ मेल आएगा, ना, दोनों में से आपको डिसाइड करना है कि कौन सा सही है। देखिए दोस्तों, कभी भी मेल और फीमेल, यानी डॉक्टर एक पोस्ट है, एक टाइटल, एक प्रोफेशन है हमारा, सोल्जर एक जॉब है ना, नौकरी है, टाइटल है, तो वहाँ पर देखिएगा दोस्तों, हम यहाँ मेल और फीमेल का यूज़ नहीं करते। यानी मैन डॉक्टर है या वुमेन डॉक्टर है, या मैन सोल्जर है या वुमेन सोल्जर है, तो हम इनका यूज़ करते हैं। ऐसे ही एग्जांपल्स मैं आपके सामने कुछ पेश कर रहा हूँ, उन एग्जांपल्स को आपको देखना है, फिर आगे हमें बढ़ना है। आपको समझ में आ जाएगा पूरी कहानी कि क्या है, इसकी कहानी क्या है पूरी, है ना, वो चीज़ मैं आपको बता दूंगा, ठीक है दोस्तों। चलो एग्जाम्पल्स आपके सामने मैं लिख रहा हूं, ध्यान देना। ये कुछ एग्जांपल्स आपके सामने लिख रहा हूँ, आपको ध्यान में रखना है इसको, ठीक ना।
ठीक है ना। ये कुछ एग्जांपल्स है, आप देखो बताइए क्या होगा, यहाँ पर कौन सा सही है कौन सा गलत है वो चीज़ आपको देखना है। ठीक है, यानी जो भी आप प्रोफेशन की बात होती है ना, या नॉन लिविंग थिंग्स की बात होती है, तो हमें क्या करना है क्या नहीं करना है ये चीज़ हमें ध्यान में रखना है। चलो ठीक है, ध्यान देखते हैं। सबसे पहले हमने बात की डॉक्टर एक पोस्ट है, ठीक है ना, तो वो हमें ठीक है, जॉब टाइटल जो भी है, सोल्जर भी एक पोस्ट है, ठीक है ना, यानी उसकी भी हमें चलती है। लेकिन मैं आपको बात करूँ मेल सोल्जर, देखिए ये पोस्ट या टाइटल है, तो पोस्ट या टाइटल के लिए मैन और वुमेन का यूज़ करते हैं, बल्कि यहाँ क्या लिखा हुआ है, मेल लिखा हुआ है। इट मीन्स मेल और फीमेल सोल्जर के पहले या कोई भी पोस्ट या जॉब टाइटल के पहले नहीं आएगा, मैन या वुमेन आएगा। इसके बाद में बात करूँ इंस्पेक्टर, मैन इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर पोस्ट है, जॉब है, ठीक है ना, कोई भी प्रोफेशन है, रैंक है, जो भी है, उनमें से यदि आता है तो मैन या वुमेन का यूज हम कर सकते हैं। इट मीन्स यहां पर ये गलत है ये सही है, मैन और वुमेन इंस्पेक्टर हो सकता है। मेल शूज, देखिएगा दोस्तों शूज जो होते हैं मेल या फीमेल के होते हैं, लेकिन कभी आपने देखा मैन शूज या वुमेन शूज, देखिएगा दोस्तों यहां हमें समझ में आता है शूज क्या है, नॉन लिविंग है, नॉन लिविंग से पहले हम मेल या फीमेल का यूज कर सकते हैं। यहां पर यदि मैन शूज लिखा होता तो इट मीन्स ये गलत होता, क्यों होता, क्योंकि मैन का यूज़ हम नहीं करते हैं नॉन लिविंग से पहले। जेंटल लेडी, तो देखिएगा दोस्तों जेंटल हम किसको बोलते हैं, जेंटल अपने आप में होती है लेडी, ठीक है ना, तो जेंटल जेंटल के साथ हम लेडी यूज़ नहीं कर सकते हैं। इसके बाद देखिए फीमेल सीट, मेल और फीमेल सीट, मेल की हम बात करें, सीट क्या है यहाँ पर बताइए, सीट क्या है, सीट क्या है, नॉन लिविंग है, और वहाँ की हम बात करते हैं सीट की, तो सीट के लिए हम मेल या फीमेल यूज कर सकते हैं। मैन ड्रेस, ड्रेस देखिएगा कैसी होती है, नॉन लिविंग होती है, तो नॉन लिविंग से पहले हम मैन या वुमेन का यूज नहीं कर सकते, किसका करेंगे, मतलब मेल या फीमेल का यूज़ करेंगे, ठीक है, तो मेल ड्रेस या फीमेल ड्रेस, ठीक है। तो दोस्तों आई थिंक, मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये एग्जाम्पल समझ में आएंगे, और भी यदि आपको समझ में नहीं आया तो वीडियो को आप डिटेल से देखें, दोबारा देखें, और मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, और पिछले वाले जो भी वीडियोज़ हैं वो भी देखें, और कोई भी कमेंट हो कोई भी सुझाव हो तो आप सुझाव करें। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।